हाय एवरीबॉडी, हेलो बच्चे लोग, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के रिवीजन सेशन में। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, अगर आपने लेक्चर देखा हो ध्यान से, मतलब अगर एंड तक देखा हो, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग एज यूजुअल जो रात का पार्ट शुरू कर देते हैं, आप बोलेंगे लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, मतलब हाँ बोला था, आई अग्री, बट द थिंग इज मैंने उसमें ये भी बोला था कि आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि चैप्टर बहुत डाइवर्स है, ठीक है। तो इज द नेम डाइवर्सिटी। यार एक मिनट में अपना पेन ओके, तो यार द पेन एनीवेज देखने में थोड़ी चूक हो गई। हाँ, तो मैंने सिर्फ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं बोला था, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया, बट हाँ समझ रहे हो मैंने क्या बोला था। उसमें रिवीजन पे ध्यान देना भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है वो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जैसा इसका नाम है वैसे काम है, डाइवर्सिटी, स्पेशली एनिमल में तो बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। और फिर क्या ओलंपियाड सेशन अपन लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपको और इशू आ सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भाई पढ़ लो, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक एंड ऑल इट, बच्चों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे फटाफट फटाफट, ठीक है। जिन लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा है ना, उनको तो बाय गॉड मजा आ जाने वाला है, क्योंकि ऐसे 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 इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे हम ध्यान देंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, जो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, और अब मैं बोलूंगी बोलते बोलते तो आप नहीं बोलूंगी, है ना। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगेन अबाउट सर्विंग टेक्सटबुक दैट वी आर रेडी टू प्रिपेयर नॉट ओनली फॉर फुल एग्जामिनेशन क्लासेस छठी से दसवीं, लेकिन आपकी कक्षा छठी सातवीं और आठवीं के ओलंपियाड लेवल के लिए भी, और बहुत ही भारी भरकम परीक्षाएं NTSC, NSJS, CRM. I'm sorry, I was just trying to be little bit sorry यार, वापस से you know हंसी आ गई मुझे लगा थोड़ा सीरियस बन जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से सीरियस एग्जामिनेशन में, बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये रही वो टीम, इसमें से you know मैं रही, तो मेरे बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन तो ये रहा, लेकिन रिविजन का तो बहुत लेंगी चैप्टर बताएंगे, ठीक है। फटाफट फटाफट देखो, ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको भी टॉकिंग टेक्सटबुक के बारे में और ज्यादा जानना है कि यार एग्जैक्टली है क्या इसमें, ठीक है। हमारी मटेरियल में स्नीक पीक अगर आपको चाहिए, आपको थोड़ी बहुत ताका झांकी करने का अगर मौका चाहिए कि क्या मटेरियल है हमारा, यार ऐसा क्या है टीवी वाले इतना बोलते रहते हैं, टेलीग्राम पे जाओ टेलीग्राम पे जाओ, तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर व्हाटएवर योर आईओएस यूजर और एंड्रॉइड यूजर, तो अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, उसके बाद सर्च में जाओगे, अब भी अपनी अनुसार कक्षा अनुसार टीटीबी 06 टू टीटीबी 010 व्हाटएवर क्लास यू बिलोंग टू, उसमें सर्च इंजन में डालना, मतलब जो सर्च ऑप्शन आता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें डालना, ठीक है। तो या फिर पता नहीं कैसे होता है, ठीक है, हाँ जो भी आ रहा है एनी वे डाल देना उसमें, तो उससे क्या होगा आपका यहाँ पे आप अपनी अपनी क्लासेस की ग्रुप को रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बच्चों टेलीग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टॉकिंग टेक्सटबुक एज अ चैनल के लिए, बिकॉज यहाँ से आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली टॉकिंग टेक्सटबुक क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, है ना। तो अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है इस मटेरियल को अपने पास लेने में, तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट अ मोमेंट, शायद देयर इज अ लिटिल बिट गड़बड़, वेट मैं एक बार वो उसको निकाल लेती हूँ स्लाइड को, यस यस थोड़ा सा अप डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा बहुत टेक्निकल हैं, है ना, वैसे ग्लिचेस आते रहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो हमें उसके लिए भी इक्विप्ड रहना चाहिए। तो यस बीइंग अ डॉक्टर एज वेल डजंट मैटर, आई कैन मैनेज, राइट। सो देन यू हैव टू विजिट www.talkingtextbook.in, और उसके बाद क्या करोगे बच्चों, दो पैकेजेस आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, एंड सिंस हमारा मेन मोटो है कि कोटा का जो क्वालिटी लेवल एजुकेशन है वो हर जगह हम लोग पहुंचा सके, तो वी ऑलरेडी केट you know prices and packages at a very basic level, so all you need to do is just go apne according check out kar lena, jo aapko best lagta hai aap usko purchase kar sakte ho, theek hai, because we just don't want to leave any child behind, that is our logo and so is our motto, so basically very basic packages are available, and iske alawa agar aapko 30% aur discount chahiye, matlab hum itna zyada, then how can we be so pyare, you know, seriously matlab aapko bolna chahiye, comment mein bolo ma'am aap log bahut pyare ho na, pura TTB ka team is the best, theek hai। So all you need to do is just apply my code GS Live, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी के पास नहीं है, तो या अगर भूलने की बीमारी है तो GS Live में गई 30% डिस्काउंट एंड सारे पेमेंट मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। चलो बहुत हुई बकवास, अब आते हैं हम लोग हमारे कार्डिनल प्रॉमिस के ऊपर, ठीक है।
है ना. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. बच्चों लिखने का टाइम आज मैं दे नहीं सकती आप लोगों को जैसे बाकी क्लास में होता है. ऑल यू नीड टू डू इज स्क्रीनशॉट लेना जहां पे जो मिस आउट किया है. किसने भी अगर जितने भी नोट्स बनाए हैं वेरी 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 शाबाश भैया तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान है ही. ठीक है मतलब स्टूडेंट. ठीक है तो वो और अगर कुछ एडिशन करना चाहे कर सकते हैं. चलो देयर वी गो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर वन. अच्छा हमारा रिवीजन स्लाइड जो था इसके पहले था एक यहाँ पर. ठीक है तो हाँ थोड़ा सा अप डाउन हो गया बट कोई दिक्कत नहीं हम सब मैनेज कर सकते हैं. चलो देयर वी गो विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर विच इज इंट्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. बच्चों यहाँ पे वी डिस्कस्ड अबाउट सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू ये नोट मेरे अपने बनाए हुए हैं. ठीक है तो वंस यू रीड देम देन यू रीडायरेक्ट योरसेल्फ टू द मॉड्यूल्स ऑफ द टॉकिंग टेक्सटबुक आपके लिए और इजी हो जाने वाला है. ठीक है ना तो ये थोड़े से कंपैरेटिवली ऑन एन इजियर लैंग्वेज साइड है तो दैट विल रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. किसी ने लिया प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है चलो पहला डाइवर्सिटी क्या होती है. वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया. एरिया कुछ भी हो सकता है प्लेस सिटी फॉरेस्ट एरिया एक्सेट्रा. बायोडाइवर्सिटी इस पूरे प्लैनेट पे कितने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है लिविंग है ना सारे प्लांट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो मेगा डाइवर्सिटी क्या होता है. बच्चों देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म किसने दिया था वॉल्टर जी रोजन ने. ठीक है ना यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको बोलेंगे 12 सेंटर होते हैं वर्ल्ड में. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो जी मूविंग अहेड यो. ठीक है क्लासिफिकेशन हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इस तरीके से. ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये स्ट्रेट इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस से हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं. दीज थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलराइट सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट. एंड देन व्हाट इज टैक्सॉन प्लांट ग्रुप्स और एनिमल ग्रुप्स इंक्लूडेड इन कैटेगरी. ठीक है कैटेगरीज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है. Their ranking of organisms or their grouping on the basis of their fundamental similarities and dissimilarities और इस तरीके से हम लोग उनको hierarchy और order में classify करते हैं. जैसे जैसे from species to kingdom आप बढ़ोगे dissimilarity increase होगी and this is the largest group and this is the smallest group. All right है ना तो इस तरीके से हमने example लिया था किसका Rapinus sativus का. ठीक है चलो किंगडम क्या होता है हाईएस्ट कैटेगरी है ना. हमारे दो ही किंगडम होते हैं प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. फिर बच्चों सारे हमें डेफिनेशन देखेंगे फैमिली क्या होती है जीनस क्या होती है ना इस तरीके से स्पीशीज क्या होती है. तो दिस इज समथिंग वी कैन इजीली जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हम उस पर ही रिलाय करेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में. नाउ दिस पार्ट इज अगेन थ्योरेटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Right now, what is the importance of classification? Why do we exactly classify organisms? ठीक है भाई easy study हो जाती है हमें unknown species के बारे में पता चलता है. ठीक है डायवर्सिटी पता चलती है कितने सारे organisms हैं इनका रिलेशन में हेल्पफुल होता है. ठीक है देन काफी सारी साइंस की ब्रांचेस से हमें डील करनी चाहिए. तो lot many things which would act as a You can say as an aid when it comes to classification. ठीक है ना तो अब classification and evolution के बारे में क्या होता है. Evolution क्या होता है process of gradual changes from simple to complex life forms with time. ठीक है उनका classification हमेशा उनकी evolution से closely related होगा. All right and जैसे जैसे evolution हुआ body design में changes होते गए which helped us to survive better. All right Now organisms have been classified as primitive or lower and advanced or higher or younger. ठीक है जिनका recent body design है वो होंगे higher, जिनका primitive body design है वो होंगे lower. ठीक है ना अब देखो ये कुछ facts थे. वेरी इंपॉर्टेंट taxonomy को systematics भी बोला जाता है जो कि आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करता है. ठीक है फादर कौन है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के दैट इज कैरोलस लिनेयर. टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था एपीजे कंडोले ने. फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल चार्ल्स डार्विन गिव ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859 टोल्ड अबाउट इवोल्यूशन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रेट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. प्लीज डू पे अटेंशन. ठीक
किसने नहीं लिया है, इफ somebody has not taken down, then please do take a note of it, ठीक है, take a screenshot. Now, काम क्या nomenclature, तो binomial nomenclature हमने देखा था बच्चों कैसे पहले genus लिखना, उसके बाद हम species लिखेंगे. Genus का जो पहला वर्ड है, पहली बात italicized होता है, can you see the frangipani indica, जो हमने mango का example यहाँ लिया है, ठीक है, एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस वुड बी कैपिटल, स्पीशीज का पहला वर्ड वुड बी स्मॉल एक लाइन में, ठीक है, इस तरीके से है ना, ग्रीक लैटिन वर्ड से डिराइव. नाउ अब देखो उसके बाद अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम देगा, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड सिक्स किंगडम, जिसमें क्या हुआ था, सिक्स किंगडम में बैक्टीरिया को आरके बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था, वो सिक्स किंगडम हो गया था. वो भी हमने इस क्लास में नहीं, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मैंने दूसरे क्लास में आपको, मतलब उसके बाद जो क्लास पास आउट होगी, प्रॉबली लेक्चर थर्ड या फोर्थ में भी, ठीक है, मैंने आपको बोला था एड करने को. आई होप यू गाइस हैव एडेड, नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं, अभी चल ही रहे हम लोग, है ना, किसने दिया, ठीक है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे, दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज रिटर्न हियर. चलो, थ्री किंगडम किसने दिया और उसमें कौन सा किंगडम इंक्लूडेड था, अगेन इंपॉर्टेंट, यू नो, सी whosoever has given the particular kingdom system, बच्चों उनके नेम उन साइंटिस्ट के नेम्स आपको पता होने चाहिए, ईयर भी पता होने चाहिए, कहीं पे मेंशन है, प्लस उसमें कौन सा किंगडम उन्होंने ऐड किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ऑलराइट. चलो, जैसे वो किंगडम कोपलैंड ने दिया, उन्होंने मोनेरा को इंक्लूड कर दिया, थ्री किंगडम ऑर्न्स हैकेल ने दिया, उन्होंने प्रोटेस्टा को इंक्लूड कर दिया. नाउ दिस कम्स विद द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर एच विटेकर हैज गिवन इन 1969 और रॉबर्ट एच विटेकर, एंड किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन था, सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने सबसे इनिशियल में देखा था. इट वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, टेक डाउन दिस फ्लो चार्ट इफ समबडी हैज नॉट टेकन, जिसमें डिविजन बताया हुआ कैसे कैसे डिविजन हुआ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे के बीच में, ठीक है. अब आता है मोनेरा को फर्दर क्लासिफाई किया कार्ल बोज ने आर्किबैक्टीरियल बैक्टीरिया में, इसको बेसिकली सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने बोल दिया था, ठीक है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो मोनेरा के हमने अलग देखे थे, ठीक है, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उसमें, ठीक है, प्रोटिस्टा के हमने अलग देखे. देखो मेजरली हम लोग ने जो स्टडी करना है बच्चों वो प्लांटे एंड एनिमेलिया है, दिस इज एन एडिशनल पार्ट विच यू शुड नो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड टू लोकोमोटरी ऑर्गन्स, दिस इज इन प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ आते हैं उसमें आपके, पैरामीशन, यूलीना, अमीबा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो मूविंग अहेड नाउ थर्ड, दैट इज किंगडम सिस्टम एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहां से स्टार्ट होता है आपका. देखो दिस इज योर फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, यूलीना जो करते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम, ये सारे के सारे होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी, डायनोफ्लैजेलेट्स, डायकम्स एंड यूलीना, दे आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम, ठीक है. फिर आता है आपका किंगडम फंगाई, ठीक है, तो उसके बारे में फिर कुछ इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोर्ड फूड वुड बी ग्लाइकोजन एंड ऑयल, बट मोस्टली हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, चिटिन भी बोलते हैं कुछ लोग, चिटिन, चिटिन, सो काइटिन होता है वैसे, वो चिटिन मत बोल देना, ठीक है. चलो ये एग्जाम्पल से, देन लाइसिन एल्गा फंगाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने देखा था, जो भी सुगंधित वस्तुएं होती है, हवन एंड सारे हमारे जो धूप पत्ती होती है सब में, सब में क्या यूज होता है भैया, लाइसेन, ठीक है, यूग्लीना, प्लांट एनिमल्स बोलते हैं उनको, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट. बॉडी ऑफ फंगस वुड बी कॉल्ड एज माइसीलियम कंपोज्ड ऑफ हाइफे, लाइसेन यूज एज बायो इंडिकेटर्स, देन प्लांट और एनिमिलिया के बारे में छोटी छोटी बातें, देखो आरिफ विटेकर ने दिया था ये, मैंने बताया था, हाँ, तो आई रिमेंबर थर्ड लेक्चर में हुआ था भैया, ठीक है. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आरएच विटेकर, उसमें कार्ल बोस ने क्या किया था, अपनी अटकल लगाई, बैक्टीरिया जो थे, ठीक है, कौन सा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया, हमने आर्किबैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो मोनेरा को किया गया. तो मूविंग अहेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अब हमने डिस्कस की थी
बिकॉज आगे जो हमने फिर पढ़ा था ना किंगडम्स में, तो ये चीजें आपको पता होना बहुत अति आवश्यक था। मैंने कहा था किसी ने मिस आउट किए, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, प्लीज ध्यान दे लेना। इसीलिए आई एम गेटिंग ऑफ द स्क्रीन बैक एंड अगेन सो दैट आपको इजी रहे इसका स्क्रीन शॉट लेने, दैट इज इंपॉर्टेंट, दीज आर माई नोट्स। ऑलराइट, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, सारे एनिमल्स तीनों जर्म लेयर से नहीं बने होते हैं। समा डिप्लोब्लास्टिक जिनमें सिर्फ दो जर्म लेयर होती है एक्टो एंड एंडो, एंड समा ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीन जर्म लेयर होती है एक्टो एंडो एंड मीजो। ठीक है, बॉडी कैविटी को बोला जाता है सीलोम, जिनमें जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, दे आर कॉल्ड एसीलोमेट, जिनमें सॉरी या इस तरीके से। एंड आई टोल्ड यू द एंटायर डायग्राम फॉर दिस जो है ना डाइजेस्टिव ट्रैक एंड ऑल, सो जो मेक इट इजी। ऑलराइट, जिनमें कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म इज स्यूडोसीलोम, स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एंड ऑफकोर्स एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, दीज आर माय ओन मेजर डायग्राम्स, अगर किसी को कंफ्यूजन है समझ में नहीं आ रहा, प्लीज लेक्चर रिपीट कर लेना यार, बिकॉज दिस इज समथिंग ह्यूज। एज आई टोल्ड यू, आई कैन नॉट टेक एवरीथिंग इन द रिविजन, इट जस्ट दैट यहाँ पे सिर्फ ऊपर की बातें होंगी जो जरूरी जरूरी है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना नहीं हो सकता है। ठीक है, सारे लेक्चर कवर करने भाई। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होते हैं एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म, अलग अलग जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रखना, प्लीज एग्जाम्पल्स जरूर ध्यान रखना। कोल्ड ब्लडेड या कोल्ड, जैसे मान लो कि आपके पास आता है कोल्ड ब्लडेड या पोलियोथर्म और एक्टोथर्म, ठीक है, एंडोथर्म और होमियोथर्म हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, स्ट्रेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्लीज डू रिमेम्बर। बायलेटरल रेडियोसिमेट्री के बीच में डिफरेंसेस, ऑलराइट, आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज सिपलाइजेशन, राइट, जस्ट भैया आई एम वेरी श्योर जिस किसी ने भी लेक्चर अच्छे से अटेंड किया दिस इज गोना बी सुपर डुपर फन, एंड ऑल्सो ओलंपिया लेवल टॉपर भी और मस्त होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी, तो प्लीज इसको ध्यान रखना, इस टेबल को ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बच्चों बेसिकली फ्लो चार्ट का आपको क्या एक आइडिया लग जाता है ना, नेवर एवर टेक फ्लो चार्ट फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे वुड रियली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन थिंग्स। ऑलराइट, चलो इस तरीके से कोर डेटा के बाद का कंटिन्यूएशन है ये। ऑलराइट, दिस इज द एग्जैक्ट डिविजन ऑफ द एंटायर एनिमल किंगडम, सो यूजुअली प्लांट किंगडम पहले लेते हैं, आई हैव टेकन उल्टा, मेरी मर्जी थी तो मैंने एनिमल्स पहले लिया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वाइड था, आई थॉट फटाफट फटाफट उसको निपटाते हैं, प्लांट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एनिमेलिया, चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, प्लाटी, हेलमिंटीज एंड नेमेटोडा के बारे में इंफॉर्मेशन पहला है। फाइलम प्रोटोजोआ, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कैसा होता है, देखो जो इंपॉर्टेंट है बच्चों विच आर ऑलरेडी हाईलाइटेड, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेम्बर नो मैटर व्हाट। ऑलराइट, फाइलम पॉलीफेरा, होल्स और पोर्स होते हैं बॉडी में जिनको ऑस्टिया बोला जाता है, जो कि कैनाल सिस्टम में ओपन होते हैं। ठीक है, विच ओपन आउटसाइड थ्रू ऑस्किलम। ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, I explained you what is ostia, osculum, if you can make out from this, sponges. We also discussed about SpongeBob SquarePants, if you remember, one of my favorite cartoons, okay? This was the example, and I also told you, bachcho, you must remember the names, okay, bath sponge, kya bolte hain, if you remember that, right? I already told you, dekho, saare, jaise, euplectella hai, usko Venus flower basket bola jata hai, kya bola jata hai, Venus flower basket, ye naam aapko aane chahiye, okay, that is important, that's what I told you. बहुत ज्यादा डाइवर्स चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, फाइलम निडेरिया, सीलेंट्रेटिया, देखो रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कॉलोनीज में पाए जाते हैं या फिर हाइड्रा सॉलिडिटी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैविंग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीलेंट्रॉन इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो इनमें होता है, जो भी मैंने रेड से या हाईलाइट किए स्टामा के, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस थिंग। नीडोब्लास्ट क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनेलीज, निमेटोसिस्ट क्या होते हैं। ऑलराइट बच्चों, दीज आर स्ट्रेट क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड फ्रॉम यू, सो प्लीज
इन पे अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? Now, these are the examples which have already taken down. See, images, imagery इतनी beautiful होती है ना. See, इतना beautiful है animal kingdom, isn't it? So, you know what, बच्चों, I really loved watching all the things. National Geographic, Nat Geo, Discovery, and especially जब भी उसमें underwater marine कुछ भी आता था ना, तो बहुत अच्छा लगता था, because इतना beauty है ना underwater, क्या बोलूँ. मतलब ये देखो सारे ऐसे animals है ना. मुझे कमेंट में बताना कि लाइक डू यू गाइस इवन एंजॉय वाचिंग लाइक सच चैनल्स. मुझे तो बहुत ज्यादा है. लाइक दो ही चीजें हैं जो मैं टेलीविजन पे यूजुअली देखती हूँ, दैट इज फर्स्ट इज माय कुकिंग चैनल, दैट इज फूडीज, एंड एक और है कुछ संजीव कपूर का भी चैनल. इज द टू चैनल्स. सो आई रियली लव कुकिंग, सो मैं वो दो चैनल देखती हूँ, डिस्कवरी, नेट जियो, न्यूज ऑफ कोर्स. चलो मूविंग अहेड, हो गई मेरी बातें. नाउ प्लैटी हेलमिंथीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म. Free living, aquatic, bilaterally symmetrical, triploblastic, ectoendo, meso, tino layer present, tissue organ body organization. ठीक है, platform समझ में आ रहा है. Obviously, dorsoventrally मतलब upper lower side बिल्कुल चपटे हैं. ठीक है, body cavity absent है, acoelomate, suckers hook present, protonephridia, plain cells for excretion, they are hermaphrodites. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गन. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो आगे बढ़ते हैं. ये है एग्जाम्पल्स. टीनिया सोलियम को बोला पॉक्टिव वॉर्म. देखो सकर्स एंड हुक्स प्रेजेंट है. सी कैन यू सी दिस. चलो नेमेटोडा, एस्केल्मेंटीज, क्यूटिकल, बॉडी कवर्ड विद क्यूटिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीरोसोमेट, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्यूब विद इन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट. इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ जाते हैं, यानी कि द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड बी सेपरेट. ठीक है, एस्कैरिस जैसे राउंड वॉर्म, मेल एंड फीमेल के बारे में डिस्टिंक्शन देखे थे कैसे क्या होता है. पोस्टीरियर एंड इसका कर्व होगा, इसका ट्रेस होगा. ठीक है, एक्सेट्रा लाइक दैट. मैं बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था क्लास में. ठीक है, एंड यस, नाउ कमिंग टू एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. अगेन टाम जो चीजें हैं उनको प्लीज नोट डाउन करो. फर्स्ट एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी, दैट इज सिलोम, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, बॉडी कवर्ड विद थिन क्यूटिकल. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी स्टार मार्क है फर्स्ट एनिमल्स ऐसे, प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है, प्लेन सेल्स वाइज स्पीशन कितने प्रेजेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मस्ट नो दैट बच्चों, ध्यान रखना. अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग. ऑलराइट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज क्लोज, रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन वो आरबीसी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, प्लाज्मा में होता है. ठीक है, पैरापोडिया या काइटिनस फीट से इनका लोकोमोशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, नेफ्रीडिया. लाइक दीज वर दी एग्जाम्पल, एप्रोडाइट, सी वॉर्म, फेरेटीमा, अर्थ वॉर्म, सैंड वॉर्म, क्लाम वॉर्म, हिरुडिनेरिया, इंडियन कैटल लीच. नो डाउट दे लुक खतरनाक, बाबा रे, तो सैंड में दिखेगा भी नहीं कि क्या है ना, तो खतरनाक से बड़ा फॉर्ट पढ़ना तो है. आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल. सी बच्चों, ऐसे जो मतलब कुछ कुछ पॉइंट में स्टार मार्क जो आप ऑलरेडी देख रहे हो, जो हाईलाइटेड है, दे लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, प्लीज उनको नोट करते जाना. अगेन सब थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट आज तक नहीं है. ठीक है, जैसे बॉडी कैविटी फिल्ड विद हीमोसील फाउंड एवरीवेयर ऑन दी अर्थ, इतना ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल्स का. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, मतलब सब होते हैं ये, बाइटिंग, च्यूइंग, पियर्सिंग, सकिंग, मतलब बहुत ज्यादा पैरासिटिक होते हैं. ठीक है, बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट. इनके पास कंपाउंड आईज होती है, जिसकी इमेज हमने देखी थी और हम आगे और देखेंगे. एक्सोस्केलेटन मेटाफाइसिस, एक्सक्रीशन के लिए मालपिजन ट्यूब्यूल, कॉक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जिनको बोलते हैं हम लोग. ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे क्या, दिस फॉर योर कंपाउंड विजन. कैन यू सी दिस, मैंने डिस्कस किया था कंपाउंड विजन क्या होता है, राइट. मल्टीपल इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, बहुत सारी लेंसेज हैं इनके पास. कैन यू सी दिस, ऐसी होती है किसी भी की आई. ठीक है ना, ना मोलस्का जिनको बोला जाता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप, फर्स्ट लार्जेस्ट वुड बी योर आर्थ्रोपोडा, दिस वुड बी सेकेंड लार्जेस्ट. लोकोमोशन वाला मस्कुलर फुट,
एंड इनका खून नीला होता है बिकॉज ऑफ हीमोसाइनिन, जो पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होगा वो भी हीमोसाइनिन। ठीक है, एक्सक्रीशन मेटानेफ्रीडिया या किडनी लाइक ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज केबल्स ऑर्गन्स और ऑर्गन्स ऑफ बुज्जियानस। ऑलराइट, अब आते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बच्चों बहुत अच्छे से मैंने इसका डिवीजन बताया था कि मोटोकॉर्ड के बेसिस पे कैसे हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा में डिवाइडेड है। बहुत अच्छे से मतलब ब्यूटिफुली आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो इनके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लो। जस्ट अ मिनट, या तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, यहाँ इकाइनोडर्मेटा हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, बिकॉज या आई रिमेम्बर दिस वॉज टू बी टेकन इन द लास्ट वाला लेक्चर, बट ये रह गया था। ठीक है, फाइनली स्किन एनिमल ट्यूब फीट, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ये आगे चलते हैं। चल, रेस्पायरेशन किससे हो रहा है, रिप्रोडक्शन रीजनरेशन पढ़ा था हमने, सेक्सुअल एसेक्सुअल बाय रीजनरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल हर फाइलम के प्लीज याद रखना, मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, इरिटेटिंग है लेकिन क्या करेंगे, आया पढ़ना पड़ेगा, है ना। और बच्चों पता है क्या एक चीज है, नो डाउट इस चैप्टर बहुत डाइवर्स है, आई टोल्ड यू। ठीक है, इनफैक्ट मुझे बहुत बेकार लगता था, आई वाज माय फुल टाइम स्टडिंग दिस, देन अगेन आई गॉट टू स्टडी इन 11th व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय प्री मेडिकल, तो वो तो बहुत ज्यादा और डाइवर्सिफाइड है 11th में, तो इट्स लाइक और ह्यूज। ठीक है, बट द थिंग इज दैट देखो हमें अल्टीमेटली इसको पढ़ना ही पड़ेगा, वी हैव गॉट नो चॉइस। ठीक है, तो यू गॉट नो चॉइस, तो ये या तो अच्छे से पढ़ लो प्यार से, या टिक टिक करके पढ़ोगे तो फिर और दिमाग में नहीं आएगा। मेरी तरफ से हेल्प आई कुड डू वाज कि मैं अपने नोट्स जो जिससे मैंने नोट्स बनाए थे अपने बुक से, तो मैंने वो यहाँ प्रेजेंट कर दिया, गॉट इजी। लेकिन हाँ, थ्योरी डाइवर्सिफाइड है, वो करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन हम चलेंगे। ठीक है, तो मोलस्का के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इस तरीके से है ना, एंटीरियली वेंट्रली एंड डॉर्सली। अब आता है हेमिकॉर्डेटा, तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड के ऊपर हमने कैसे डिवीजन देखा था कि भाई लाइफ टाइम में कितने टाइम तक ये रहती है, रहती नहीं रहती, इसका क्या होता है बेसिकली, उसके डिवीजन पे फिर हमने आगे और डिवीजन बना दिए उसके बेसिस पे। जैसा पहला था फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन। इफ समबडी हैज मिस्ड इट आउट एग्जांपल्स, यू नीड टू राइट इट डाउन। ठीक है, किसी ने मिस किया हो तो प्लीज लिख लेना। इट्स ऑल ऑल दैट यू नो, मतलब दे प्लेस इन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट एज पोजेस सम कैरेक्टर्स ऑफ बोथ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट के बीच में हेमिकॉर्डेट। ठीक है, दे डू नॉट पजेस नोटोकॉर्ड। नाउ इस तरीके से हमें नोटोकॉर्ड क्या होती है, ठीक है, नर्व कॉर्ड क्या होती है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। अगर किसी ने मिस आउट किया तो प्लीज डेफिनेशन यहां लिख लेना या टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड प्लीज बी वेरी क्विक। हटा रही हूं अब इसको, ठीक है, स्लाइड हटा रही हूं। Now for data, most advanced group of animals, please do take it down. Notochord some stage में present होती है, supported by tubular hollow dots in the cord. ठीक है, and higher chordate में notochord replace हो जाती है vertebral column से, जैसे हम humans. ठीक है, अब जैसे ये है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। प्लीज आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, अगर किसी ने मिस आउट किया तो प्लीज क्लास अटेंड करना, लेक्चर देख रहे हैं लास्ट वाले, बिकॉज ये चीजें बहुत ब्यूटीफुली आर एक्सप्लेन्ड देयर। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन, दिस इज अ लिटिल बिट मोर डाइवर्सिफाइड, वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है जो मैंने बताया। ठीक है, एंड देन प्रोटोकॉर्डेटा, ये लोअर कॉर्डेट होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्रिकल एंटेरोसिलोमिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरी एनिमल होते हैं, कुछ स्टेजेस में इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो प्रोटोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट, लार्वा में प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड, टेल में और एडल्ट में डिसअपियर। इट अंडरगोज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि बेटर डेवलप लार्वा टू लेस डेवलप अडल्ट, दैट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
Then, cephalochordata. Animals are fish-like without a head. नोटोकॉड यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है एनिमल्स में. ठीक है, डू रिमेम्बर द एग्जाम्पल. वर्टिब्रेटा और क्रेनिएटा मेजोरिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड इंक्लूडेड इन फाइलम. ठीक है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड. देन नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. एक्सक्रीशन थ्रू किडनी. बच्चों जो भी येलो में मतलब जो भी हाईलाइटेड है ना, अगेन देयर इज नथिंग टू बी रिपीटेड. इट इज जो भी इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, वो रीड करने से आपको आ जाएगा. हार्ट वेंट्रल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड, मतलब इन द सेंस ये बिल्कुल डेवलप्ड है, समझ रहे हो. देन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट के बीच में डिफरेंसेस. प्लीज इस टेबल को नोट कर लो, किसी ने नोट नहीं किया प्लीज टेक डाउन दिस टेबल, इंपॉर्टेंट. I hope you guys have taken screenshot. Moving ahead, यहां आता है आपका एग्नेथा. वर्टिब्रेटा फिर सेवन क्लासेस में, एग्नेथा ग्नाथोस्टोमेटा. ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट जिसमें साइकोस्टोमेटा पड़ेगी हम लोग, ग्नाथोस्टोमेटा जिसमें वेल डेवलप जॉल्स हैं, फिर उसमें कॉन्ड्रियोसाइसिस, ऑस्टिसाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवियन मैमल्स हम लोग पड़ेंगे. और ये उनके जो है मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट. साइक्लोस्टोमेटा इज द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट को ध्यान आता है हमेशा ध्यान रखना है, नोटोकॉर्ड वुड गेट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, जॉलेस, सर्कुलर माउथ, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और यूजुअली सकिंग पर्पज होता है इनका. ब्रेन बहुत पुअरली डेवलप, मतलब बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग, लेकिन कोई बात नहीं. कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट. अब आते हैं ग्नाथोस्टोमेटा जिसमें फिशीज एंड टेट्रापोडा हम लोग पढ़ेंगे. जनरल फिशेज बिल्कुल ट्रू फिशेज, रेस्पायरोगिल्स, स्ट्रिंगलाइन बॉडी, स्केल प्लेट प्रेजेंट, एंडोस्केलेटन कार्टिलेज बोन का बना हुआ, यूनिसेक्शुअल, कोल्ड ब्लडेड, हार्ट इज टू चेंबर्ड. इंपॉर्टेंट चीज, यू नोट इट डाउन, दी हार्ट इज टू चेंबर्ड. इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो. Pisces, mitochondrial and osteocytes. Write down the difference. Amphibious in nature, single segmented cell that is chromatophore without scales. ठीक है, notochord adult में नहीं आती है. चार limbed होते हैं without nails. ठीक है, skin, lungs या फिर buccal lining से जैसे frogs में होते हैं ना, तो उससे जो है respiration होता है. अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे. बच्चों ध्यान रखना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपको ध्यान होना चाहिए. जैसे कि मान लो ये है कि टैडपोल में क्या होता है, यूरिया अडल्ट में होता है. ठीक है, थ्री चेंबर्ड हार्ट और राइट, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, ध्यान रखना. जैसे हमारे में क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यहाँ पे आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है, ब्रेन वापस से डेवलप नहीं. क्रेनियल नर्व दस पेयर, सेक्स इज सेपरेट. डायोशियस यानी कि मेल विदाउट कोपुलेटरी ऑर्गन. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ऑब्वियसली कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल. ठीक है, आई एक्सप्लेन यू वेरी प्रॉपरली क्या होता है इसमें, है ना. फिर आएंगे रेप्टाइल्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, एपिडर्मल हॉर्नी स्केल्स,
Skin is dry, impermeable, and devoid of glands. Respiration takes place by lungs only. And jitna bhi information hai, crocodile mein heart is four chambered. वैसे तो incompletely four chambered होता है ना? लेकिन crocodile में four chambered. Fertilization is internal. Please do remember the examples. ठीक है? Examples please ध्यान रखना जहाँ भी दिए हुए हैं. They are very important. I hope it's done. ये रहे examples, मतलब images. चलो आगे बढ़ते हैं. Note down the differences. MTB are cilia. Now A is in mammals. So again, they are feathered reptiles. Characteristics क्या होते हैं बच्चों? Soft feathers की covering होती है, which is called as plumage. Body is divided into head, neck, trunk, and tail. Endoskeleton like pneumatic bones, यानी कि and the jaws are modified to form beak. Pneumatic bones यानी कि जिसमें air filled bones होती है, cavities ज़्यादा होती है, to make it light, right? Teeth are absent. Respiration is by lungs only. Heart is completely four chambered. Important oviparous egg laying. Okay. और yolk में होता है इनका fertilized egg with hard calcareous shell. ठीक है. और मतलब इनकी भी membranic membranes होती हैं. Amnion, chorion, yolk sac and allantoid. There is no larval stage in development. These are the examples. मतलब birds होते हैं, true birds हैं, mammals, most evolved group of animals. Please इसको अच्छे से note करें. They possess mammary glands. Feed the young ones with milk. Skin is covered with an exoskeleton of hair. Sweat glands होंगे, which helps in regulation of body temperature. जो hair जो होंगे वो, ठीक है? Sweat glands, they would help in regulation of body temperature. Subcutaneous layer of fat provide insulation. Mammals have two pairs of anterolateral limbs. पांच उंगलियों वाले limbs, है ना? And I already told you how body is equally divided into two parts by diaphragm, thorax and abdomen में, है ना? Teeth, thecodont, diphyodont and heterodont होते हैं. Respiration happens by lungs. Heart is four chambered, obviously circular and non-nucleated, sex is separate, gonads paired, fertilization internal, embryonic membranes, वापस से रही, these are viviparous, ठीक है, oviparous, egg laying, viviparous, direct young ones को birth देना, लेकिन उसमें भी अभी हम लोग यहाँ पे एक exception देखेंगे mammals में, ठीक है, जैसे egg laying mammals, monotremes जो होते हैं egg laying mammals, ठीक है, they show characters of both reptiles and mammals, important, वो हो सकता है आपको स्ट्रेट नेम ना देके बोल दे कि जिनका रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों का कैरेक्टर है, बताओ कौन से होते हैं वो. प्लेसेंटल मैमल्स इनको बोला जाता है ट्रू मैमल्स, क्योंकि मैमल्स विद ट्रू प्लेसेंटा, the most intimate connection between mother and the child. Uterus में retain होगा baby. Okay. Examples दिए रहे आपके सामने. And this is again important. Please, जितनी भी बच्चों tables again आपको help करेगी थोड़ा थोड़ा idea लेने में, तो please उनको note down करो अच्छे से, ठीक है? Thank you.
Now, this one. चलो अब आता है हमारा प्लांट के. तो फाइनली अब हमारे दो आएंगे लेक्चर किसके, प्लांट के. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग देखेंगे क्रिप्टोगैमी के बारे में. पूरा क्रिप्टोगैमी सेम वही मैंने बताया था बच्चों, जैसे एनिमल के लिए हम लोग नेमिंग करते हैं सिमिलरली हायरार्की यहाँ पर भी सेम होती है. ठीक है, तो चलो. एंड यस आई ऑल्सो टोल्ड यू तीन ऐसे ऐसे फ्लोचार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू टेक केयर ऑफ इट. ऑलराइट, तो इसको यहां से नोट डाउन कर लो. पहला तो ये, देन ये क्रिप्टोगैमी, सैंड्रोगैमी क्या होते हैं, प्लांट्स विदाउट सीड एंड सीड बियरिंग प्लांट. ठीक है, ये वाला भी एक और स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सारे फ्लो चार्ट्स अगर हेल्प यू अलॉट. ओके, मैं एक्चुअली मेक द थ्योरी थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट से प्रिसाइज कर देते हैं, तो फिर अंडरस्टैंडिंग में इजी होता है. उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो रिलेशन ज्यादा अच्छे समझ आएगा. ठीक है, देन आता है क्रिप्टोगैमी, मतलब की हिडन गैमेट. ठीक है, देयर प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन. उसमें आएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं, कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं. ठीक है, फिर उसमें आती है आपके एल्गी, फंगाई. ठीक है, एंड लाइकन. ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखिए बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट. सेलुलर एंड प्रोटोबुलर स्टार्च इज इंपॉर्टेंट, राइट. ठीक है, फंगाई, हीटरोट्रॉफिक, लैक क्लोरोफिल, सेल वॉल ऑफ फाइटिंग फंगस, सेलुलोज, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक माइसीलियम होती है इनकी बॉडी. एग्जांपल्स ये रहे. व्हाई इज द फंगस कंसिडर्ड एज अ प्लांट डिस्पाइट ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब हीटरोट्रॉफिक होता है फिर भी क्यों कंसिडर करता है, करीबन ये रहा. ठीक है, लाइकन्स क्या होते हैं, फाइटोबायोंट और माइक्रोबायोंट, यानी कि फंगल एंड एल्गल प्लांट, उसकी सिंबायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, अब आते हैं ब्रायोफाइटा, इंपॉर्टेंट एंटीजेंस ऑफ प्लांट किंगडम, सिंपलेंस इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट. ठीक है, राइजॉइड के बारे में मैंने बताया था, नीचे पूरा साइकिल एक्सप्लेन किया था, हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ ऑल्टरेशन इन जनरेशन. गैमेटोफाइट यानी कि दो सेपरेट गैमेट होंगे, एम्ब्रियो बनाएगा, जायगोट एम्ब्रियो दोनों स्टेजेस होती हैं, माइटोसिस हुआ, स्पोरोफाइट बनाया, फिर मायोसिस हुआ. सो बेसिकली द स्पोरोफाइट हियर वुड बी डिप्लॉयड एंड द गैमेटोफाइट वुड बी हैप्लॉयड, यानी कि एन और ये टू एन. नाउ टेलोफाइटा, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट. मोस्ट इवॉल्व क्रिप्टोगैम. ठीक है, अब ये डिफरेंसेस नोट कर लो बच्चों, जितने भी टेबल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो गाइस अप टू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हेल्पफुल होगा, सब्जेक्टिव में तो हो गई थी. ठीक है, चलो पैनरोगैम के बारे में. विजिबल गैमेट्स हैं, हाइब्रिड ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, उसमें जिम्नोस्पर्म्स होंगे, एंजियोस्पर्म्स होंगे. जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड, सीड्स आर एंक्लोज्ड इन फ्रूट, दे आर वेल डेवलप्ड एक्सोसोम सिस्टम, जाइलम लाइक वेसल्स एंड फ्लोएम लाइक कंपैनियन सेल्स. पिज्जा कवर्ड, फ्रूट बियरिंग होंगे, इसमें ट्री शब हर्ब सब के सब आ जाएंगे. ठीक है,
एंड मतलब सीड्स रिमेन क्लोज इन द ओवरी एंड ऑफ कोर्स द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द सीड जो होता है सीड जो होता है वो कवर या तो अगर सिंगल लीफ से कवर्ड है तो उसको बोलेंगे मोनोकॉट एंड देन अगर दो लीफ से कवर्ड है तो डायकॉट ठीक है तो इस तरीके से जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डायकॉट कोटिलेडम्स क्या होते हैं सीड लीव्स ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा था व्हाट इज डायकॉट डॉट वेंट्रल विद रेटिकुलेट वेनेशन एग्जाम्पल दे रहे एंड मोनोकॉट आइसोबायरेटल लीव विद पैरेलल वेनेशन एंड ये रहे एग्जाम्पल This is the difference. As I already told you, class में भी please इसका screenshot ले लेना. Again, I'm telling you, देखो diagrams में बच्चों क्या होता है visualization easy हो जाता है. ठीक है उसके बाद आप theory देते हो ना तो becomes much more easy. तो biology usually जो है बोले जाते हैं ना diagrams से ज़्यादा practice करोगे easy रहेगा आपको. ठीक है तो यहाँ पे anyways provided है तो भैया सीधा ले लो ना मतलब सीधा ले लो screenshot ले लो सीधा एल्गी एंड फंगाई के बीच में डिफरेंसेस जो मार्क्ड है रेड से इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो डू टेक केयर ऑफ इट ब्रायोफाइट्स रेडोफाइट्स के बीच में डिफरेंसेस जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के बीच में डिफरेंसेस जिम्नोस्पर्म्स हमने बच्चों ध्यान रखना कोन्स की बात की थी है ना मेल एंड फीमेल कितने होंगे कोन्स फॉर्मेट में होते कोन के फॉर्म में होते हैं सिंगल प्लांट के ठीक है एंड देन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के बीच में डिफरेंसेस ऑलराइट हो गया क्या चलो सो फाइनली हमारा रिविजन भी खत्म ठीक है बच्चों कोई इश्यू रहा हो अगर या फिर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है प्लीज लेक्चर्स को वापस देखना ठीक है और अगर कोई इश्यू है तो प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हो ठीक है वैसे ही चैप्टर में इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कंफ्यूजन आता नहीं है ठीक है इट्स ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल सब कुछ रटना ही है यू कैन नॉट हेल्प इट आउट ऑलराइट सो एनीवे व्हाट यू हैव टू डू इज फिर भी कोई इश्यू है तो आई एम देयर ऑन द टेलीग्राम यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑलराइट है ना एंड वीडियो अच्छा लगता है वही ऐसे लाइक कर देना ठीक है मतलब तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बट वापस से आई हैव टू रिपीट सब्सक्राइब चैनल टॉकिंग टेक्निक्स एंड हिट दैट बेल आइकन देखो बायो का तो आई कैन बी से यार बहुत मजा आता है ठीक है सो इट्स गोना बी सुपर डुपर फन सो इफ यू गाइस आर विद मी बिकॉज यू नो बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में वेरी श्योर आपको भी अच्छा लग रहा हो कैसा लग रहा है कॉमेंट सेक्शन में बता दिया करो ठीक है दिस बच्चों इवन अ सिंगल कॉमेंट फ्रॉम मी बीट अ डाउट बीट अ कॉमेंट बीट एनीथिंग रियली मैटर्स अ लॉट राइट एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट सो सबसे बड़ी चीज तो यहाँ है वो है थैंक यू सो मच बच्चों फॉर बीइंग विद मी मतलब आप लोग का इतना एनर्जी मुझे रेजोनेट होता है सो वेरी गुड एंड लाइक ग्लैड टू हैव यू गाइस विद मी सो दैट लाइक अ बिग थैंक यू एंड लोड्स ऑफ लव टू यू सो दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा अपना ध्यान रखना ठीक है हम लोग मिलते हैं ओलंपियाड सेशन में और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन वाले सेशन में ठीक है टिल देन बाय टेक केयर